गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास फोर. आज हम पार्ट चार पढ़ेंगे, वाक्य विचार. इतने दिन शब्द विचार तक पढ़ा था हमने, है ना. वर्ण, वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है. उससे क्या बन रहा था, हमारा शब्द बन रहा था, ठीक है. यानी सार्थक अर्थ होना चाहिए, तभी तो वो शब्द होता है ना. जिसका सार्थक अर्थ होगा वही तो सार्थक शब्द होगा, है ना. तो सार्थक अर्थ वाला शब्द होता है. तो अब हम वाक्य वाक्य रचना करेंगे कैसे. तो वाक्य वाक्य कैसे बनाते हैं हम, देखिए. हमने इतने दिन शब्द बनाए थे कि दो वर्णों के मेल से या दो से अधिक वर्णों के मेल से सार्थक मेल जब हम बना रहे थे तो क्या बन रहा था, शब्द बन रहा था. ऐसे ही अब अलग अलग शब्द से हम पूरा सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, ठीक है. वाक्य क्या होता है, वाक्य वही होता है जिससे हम एक दूसरे की बात को पूरा स्पष्ट तरीके से समझ पाते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, बात का पूरा मतलब क्या है. केवल शब्द से हम अर्थ नहीं समझ सकते. जैसे मैंने पानी पानी शब्द ले तो लिया, लेकिन पानी का क्या आप अर्थ समझेंगे, क्या अर्थ समझेंगे. जब तक पूरा वाक्य ना बने तो आप अर्थ समझेंगे नहीं समझेंगे. जैसे पानी लाओ, तो पानी लाओ ये दो शब्द जब आपस में मिले, मतलब अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है पूरा वाक्य कि वही सामने वाला पानी लाने के लिए कह रहा है, ठीक है. तो वह होता है वाक्य जब शब्दों का सार्थक मेल हो. परिभाषा क्या होगी कि शब्दों के ही सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, ठीक है. जैसे वाक्य कोई भी हो, जैसे विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं, पक्षी चहचहाने लगे, सभी अपने अपने कार्यों में लग गए, है ना. बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये क्या है, वाक्य है. और इन पूरे वाक्य से हम पूरी बात का अर्थ मतलब जो है क्या है वो समझ रहे हैं, ठीक है. केवल शब्द से हम पूरी बात को स्पष्ट नहीं जान पाते, इसलिए वाक्य रचना हुई है. तो वाक्य से हम कोई भी बात को स्पष्ट तरीके से उसको समझ लेते हैं, ठीक है. जैसे हम अपनी बातों को दूसरों तक भली भांति पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्यों का सहारा लेते हैं. वाक्य पदों का व्यवस्थित रूप है. पद मतलब जो शब्द हमने देखे थे, है ना. पद जो शब्द बनाए थे, अलग अलग शब्द, उन्हीं का व्यवस्थित रूप. यानी व्यवस्थित मतलब बिल्कुल क्रम से लिखा जाए तो भी वो क्या है, वाक्य है. जिसे पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है. पूर्ण अर्थ देने की शक्ति मतलब पूरी बात को वो स्पष्ट समझा पाए, ठीक है. तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के जब हम वाक्य रचना वाक्य बनाएंगे तो वाक्य को बनाने के लिए वाक्य में कितने अंग होंगे, दो अंग होंगे. एक तो होता है उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा होता है विधेय. ये दो चीज अपने को वाक्य में मिलेगी जब ही वो अपनी बात को सार्थक बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट कर पाएगा, अपने अर्थ को, अपने मतलब को, ठीक है ना. ये दो चीज वाक्य में होनी जरूरी है. तो ये दो अंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वाक्य के दो ही अंग होते हैं और इन दो अंगों से ही क्या है, वाक्य निर्माण किया जाता है, वाक्य बनाया जाता है, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे उद्देश्य के बारे में. उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है देखो वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ बताया जाए. अंश मतलब पूरा वाक्य. एक वाक्य ले लीजिए आप, आभा पुस्तक पढ़ रही है. एग्जाम्पल के लिए आभा पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है. ये पूरा वाक्य है. वाक्य से हम अर्थ समझ रहे हैं कि जो है पुस्तक पढ़ रही है कौन, आभा. हम समझ गए इसका अर्थ. ये तो था वाक्य. अब वाक्य में दो अंग, ये और ये कहाँ है, हम कैसे पता लगाएंगे. वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ बताया जाता है. यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है, यानी पुस्तक पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है, किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बताया गया है. वाक्य का कौन सा अंश है जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी काम को करने वाला कौन है. हमें ये देखना है वाक्य में कार्य को जो करने वाला, ये पूरा कार्य है पुस्तक को पढ़ना, पढ़ रही है, ठीक है. तो इसको करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, आभा है ना, लड़की का नाम. तो ये आभा है जो करने वाली है. यानी जिसके बारे में कुछ बताया जाता है पूरे वाक्य में, जिसके बारे में बात हो रही है वह कौन है, आभा है. तो आभा क्या है, यहाँ उद्देश्य
यानी काम को करने वाला हमेशा उद्देश्य होता है। ये क्या है? उद्देश्य। ये उद्देश्य है हमारा, ठीक है। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने वाले कौन है, उद्देश्य कौन है, किसके बारे में बताया जा रहा है? वाक्य का वह अंश जिसके बारे में बताया जा रहा है वह है उद्देश्य। तो इसमें कौन है? बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे उद्देश्य हैं, है ना, बच्चे उद्देश्य। पक्षी चहचहाने लगे, चहचहाने कौन लगे, किसके बारे में बात की जा रही है? पक्षी। तो पक्षी क्या है? उद्देश्य। काम को करने वाला यानी जिसके बारे में बताया जाए वह उद्देश्य होता है। जैसे दीपिका कपड़े धोती है, दीपिका क्या है? उद्देश्य। आदित्य सेब खा रहा है, आदित्य क्या है? उद्देश्य है। प्रणव खेल रहा है, प्रणव कौन है? उद्देश्य। अब हम देखेंगे विधेय के बारे में, वाक्य का दूसरा अंग। विधेय क्या होता है? कि वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के बारे में बताए। उद्देश्य मतलब हमें क्रिया पता चले कि काम कौन सा काम कर रहा है, यानी उसके द्वारा, उद्देश्य के द्वारा जो काम किया जा रहा है ना, कर्ता के द्वारा जो कर्ता काम करेगा, है ना, जो सारा का सारा उस पर निर्भर होगा, वो क्या हो जाता है? विधेय हो जाता है। यानी वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के बारे में बताए। उद्देश्य के बारे में मतलब उद्देश्य कौन? काम को करने वाला। और उसके बारे में बताए, उसके बारे में क्या बताए? उसके बारे में ये बताए कि जो वाक्य है, मतलब आभा खेल रही है, यानी आभा के बारे में क्या पता चल रहा है हमें? आभा के बारे में क्या पता चल रहा है? कि खेल रही है। तो खेल रही है क्या होगा? विधेय होगा, ठीक है। जैसे आदित्य सेब खा रहा है, तो मतलब हमें उद्देश्य के बारे में क्या पता चला? कि वो सेब खा रहा है। तो सेब खा रहा है क्या हो जाएगा? विधेय। प्रणव खेल रहा है, तो खेल रहा है हमें प्रणव का पता चल गया, प्रणव उद्देश्य है। और प्रणव के बारे में क्या बताया गया है? कि प्रणव खेल रहा है, तो खेल रहा है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। यानी एक उद्देश्य होगा और बाकी जो बचेगा वो विधेय होगा, और इन दोनों को मिलने से ही वाक्य बनता है, ठीक है। और उद्देश्य और विधेय से ही वाक्य की रचना होती है, ठीक है। जैसे देखो, शुभांगी ने साड़ियां खरीदी। शुभांगी, शुभांगी क्या है? उद्देश्य है ना, क्योंकि साड़ियों को कौन खरीद रहा है? करने वाला, खरीदने वाला जो करता होता है वो होता है उद्देश्य। और उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो होता है विधेय। तो साड़ियां खरीदी, उसने क्या काम किया? शुभांगी ने साड़ियां खरीदी, यानी उसके बारे में क्या बताया गया है? साड़ियां खरीदने के बारे में। तो साड़ियां खरीदी क्या हो जाएगा? यहाँ विधेय हो जाएगा। ऐसे ही रितिका ने नए वस्त्र सिलवा लिए, तो रितिका हो जाएगा उद्देश्य, और नए वस्त्र सिलवा लिए क्या हो जाएगा? विधेय। ऐसे ही मैं कक्षा में प्रथम आऊंगा, ठीक है। मैं तो कौन है जिसके बारे में बात की जा रही है? करता है ना, और कक्षा में प्रथम आऊंगा, उसके बारे में जो सारी बात है जो बताई जा रही है वो है विधेय। प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया, तो लाल किले से भाषण दिया क्या हो जाएगा? हमारा विधेय। अब वाक्य के प्रकार। हमने वाक्य विचार में वाक्य यानी शब्दों के सार्थक समूह, जब शब्दों का सार्थक समूह होगा, है ना, तो वह क्या हो जाएगा? वाक्य। और वाक्य बनाने के लिए क्या जरूरी है? पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय, दो वाक्य के अंग होते हैं। अब वाक्य के प्रकार। वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। वाक्य को दो भागों में बांटा है ना, कौन कौन से? एक तो रचना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, रचना के आधार पर। मतलब हम वाक्य बनाते हैं तो जो वाक्य की रचना की जाती है, कोई वाक्य बड़ा होता है, कोई वाक्य दो दो होते हैं, मतलब और लगा के जोड़ दिए जाते हैं ना, राम और श्याम खाना खा रहे हैं, या राम खाना खा रहा है और श्याम खेल रहा है,
यानी वाक्य भी क्या है, अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ सरल वाक्य होते हैं, यानी सिंपल वाक्य, जिसमें क्या है, देखो इसको कितने भागों में बांटा गया, रचना के आधार पर वाक्य तीन भागों में बांटेंगे इनको। कितने भागों में? तीन भागों में बांटेंगे हम इनको। कौन कौन से? सरल वाक्य, सरल, और दूसरा संयुक्त वाक्य, ठीक है, और थर्ड वाला मिश्र वाक्य। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे हम, देखो इनकी पहचान कैसे करेंगे। सरल वाक्य, सरल वाक्य को देखेंगे, रचना के आधार पर कितने भाग किए हमने वाक्य के, तीन भाग किए, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, हम सरल वाक्य की बात करते हैं। सरल वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें क्रिया एक ही हो, ठीक है, बिल्कुल साधारण सा वाक्य हो, यानी जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है। विधेय मतलब क्रिया, विधेय हमने पढ़ा ना, यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, जो करता होता है काम को करने वाला, उद्देश्य है उसके बारे में जो भी बात की जाती है कि वह पढ़ाई कर रहा है, खेल रहा है, सो रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है ना, मेहनत करता है, जो भी क्रिया है, विधेय क्या होगा? एक ही होगा। सरल वाक्य हमेशा विधेय एक ही होगा, यानी क्रिया क्या है, एक होगी। जिस वाक्य में क्रिया एक होगी वही सरल वाक्य कहलाता है। जैसे मैं समय पर स्कूल जाता हूं, एग्जाम्पल, मैं समय पर स्कूल जाता हूं, यानी मैं तो क्या है, उद्देश्य है, और समय पर स्कूल जाता हूं, यानी यहाँ क्रिया क्या है, स्कूल जाना, स्कूल जाना क्रिया है। समय पर स्कूल जाता हूं, ठीक है, तो क्रिया क्या है, यहाँ क्रिया क्या है बच्चों, मैं समय पर स्कूल जाता हूं, यानी विधेय। एक अपन को पता है, अपन ने उद्देश्य देखा था और एक विधेय देखा था, दो होते हैं ना, तो उद्देश्य और विधेय। एक उद्देश्य तो ये है इसमें कि जो स्कूल जा रहा है कौन है, मैं है। किसके बारे में बात की जा रही है, इस मैं के बारे में, तो मैं क्या है, ये उद्देश्य है, ठीक है, करता है, और बाकी बचा जो क्या है, स्कूल जाता हूँ, यानी क्रिया, ये विधेय। जो विधेय है वही क्या होता है, एक होना चाहिए, एक होगा मतलब इट मीन्स सरल वाक्य है, ठीक है, ये होती है सरल वाक्य की पहचान। अब हम सेकंड देखेंगे, सरल वाक्य के बाद सेकंड संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को कैसे पहचानेंगे? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य में तो एक ही विधेय होगा, मतलब क्रिया एक ही होगी, वह फल खा रहा है ना, वह अनार खा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, या वह भाषण दे रहा है, मतलब एक ही विधेय होगा, एक विधेय होगा मतलब सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य है जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समानाधिकरण वाक्य हो। समानाधिकरण वाक्य मतलब बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य हो, दो अलग अलग वाक्य हो, और वो किससे जुड़े हुए हो, हमें कैसे पता चलेगा, समान मतलब स्वतंत्र वाक्य है, समान स्तर के वाक्य, समानाधिकरण वाक्य है, यानी उनकी स्वतंत्रता को देखकर, कि जैसे उसके बीच में क्या जोड़ दिया जाएगा, कोई दो वाक्य है और दो वाक्यों के बीच में तथा, और है ना, किंतु, परंतु, या, अथवा, इस तरह से क्या है, अपने को हमेशा चिन्ह मिलेंगे, इस तरह के चिन्ह मिलेंगे, तब हम जान लेंगे कि यहाँ दो से दो या दो से अधिक वाक्य हैं, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब आपस में मिलना होता है। संयुक्त का हिंदी में अर्थ क्या है? हिंदी में अर्थ यही है, संयुक्त का अर्थ मिलना, आपस में जुड़ना, तो संयुक्त मतलब जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे, और, तथा, किंतु, या, अथवा। जैसे एग्जाम्पल देखो कि मैंने भोजन किया,
मैंने भोजन किया और सो गया। अब यहाँ विधेय कितने हैं? दो विधेय हैं, एक तो भोजन करना और एक सो जाना, है ना, दो विधेय। और मैंने, मैंने क्या है, मैंने उद्देश्य है। और विधेय कौन कौन से इसमें, एक तो भोजन किया और दूसरा सो गया, यानी दो दो विधेय है। और इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो स्वतंत्र वाक्यों की रचना हुई है, यानी एक वाक्य बन गया मैंने भोजन किया और दूसरा वाक्य बन गया मैंने फिर मैं सो गया। तो और किंतु तथा परंतु ये सब जोड़े जाएं तो समझ लो कि वो संयुक्त वाक्य है, यानी मिला हुआ है दो वाक्य, स्वतंत्र वाक्य दो अलग अलग मिले हुए हैं उसमें। जैसे एक एग्जाम्पल कि सवेरा हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, सवेरा हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो और से जोड़ा गया है और दो स्वतंत्र वाक्य है कि सवेरा हुआ ये अलग बात है और पक्षी चहचहाने लगे ये अलग बात है, है ना। तो दो अलग अलग विधेय हैं और उद्देश्य, उद्देश्य इसमें सवेरा भी है और पक्षी भी है ना, पक्षी। और हुआ क्या, सवेरा, सवेरा हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ठीक है। तो ये क्या है, दो वाक्यों को जोड़ा हुआ बताया गया है, तो ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। थर्ड है हमारा मिश्र वाक्य, ये इन दोनों से अलग है, सरल और संयुक्त से अलग है, एकदम मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या पहचान मिलेगी हमें, कि जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, प्रधान मतलब एक मुख्य वाक्य हो, मुख्य, ठीक है, और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, आश्रित मतलब उसी के ऊपर डिपेंड होंगे, जो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। यानी देखिए कि मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, एक क्या है इसमें मुख्य वाक्य है, मुख्य वाक्य क्या है कि मैंने कहा, मैंने कहा, यानी खुद का कहना क्या है, एक मुख्य वाक्य है, कि मुख्य बात यही है कि उसने साफ साफ कह दिया मैंने कहा, मैंने कहा कि, ये क्या है, मैंने कहा क्या है, मुख्य वाक्य यानी प्रधान वाक्य, ठीक है, प्रधान उपवाक्य है। और इसके ऊपर आश्रित क्या है, आश्रित है कि उसने साफ साफ क्या कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाने के बारे में साफ साफ कह दिया, यानी ये उस आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। यानी मिश्र वाक्य में आपको क्या पहचान मिलेगी, वाक्य में, वाक्य में ये पहचान मिलेगी कि जो जो दो वाक्य जोड़े जा रहे थे और तथा, है ना, तो वो तो थे संयुक्त वाक्य, इसमें क्या पहचान मिलेगी, इसमें दो वाक्य जोड़ेंगे तब या तो आएगा छोटा कि, मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, यानी जोड़ने वाला, जोड़ने वाला कि, ये चिन्ह मिलेगा, ठीक है, या जो, जो मैंने कहा था, जो आएगा वही खाना खाएगा, या ऐसे कोई भी एग्जाम्पल बन जाएंगे, यानी जो परिश्रम करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, ठीक है, जिसकी, यानी जिसकी, जिसकी एग्जाम्पल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, यानी जिसकी, इससे जोड़ा हुआ जाए, ठीक है। दूसरा जैसे, जो, वह, है ना, जो मेहनत करता है वह सफलता अवश्य पाता है, जब तब, जब तब, वाक्य को जोड़ेंगे जब क्या क्या है, जब, जब काम ही नहीं करेंगे तब फल कहाँ से मिलेगा, जब हम काम ही नहीं करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे, तब फल कहाँ से मिलेगा, इस तरह के वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य होते हैं, ठीक है। जहां, वहां, ताकि, इस तरह के चिन्ह से हम पहचान लेंगे कि ये मिश्र वाक्य है। तो उदाहरण क्या है, मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मैंने कहा कि क्या है, प्रधान उपवाक्य है, और मैं नहीं जाऊंगा ये उस पे आश्रित वाक्य हुआ, ठीक है। ये था हमारे वाक्य को रचना के आधार पर तीन भाग, कौन
कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, ये थे रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसमें नहीं दिया गया, लेकिन अर्थ के आधार पर वही सब है जो हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, जो हम विलोम शब्द पढ़ते हैं, है ना, जो हम समानार्थी शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, वही सब अर्थ के आधार पर भेद होते हैं। तो हमें यहाँ सिर्फ रचना के आधार पर पढ़ना था, जो हमने पढ़ लिया। तो हमने क्या क्या देखा कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग हमने देखे, एक था उद्देश्य और दूसरा था विधेय, जिनसे वाक्य बनता है। फिर वाक्य को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में, रचना के आधार पर। फिर रचना के आधार पर हमने देखे वाक्य कैसे कैसे बनते हैं। वाक्य तीन तरह से बनते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, ओके, समझ में आ गया।